राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 39 आईपीएस और 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी सूची में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदल दिए गए हैं। कई चर्चित प्रकरणों के चलते अफसरों को इधर उधर करने से ये सूची कमोबेश सरकार की शुद्धिकरण की कोशिश मानी जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 34 महीनों में ही 60वीं बार आईएएस के तबादले हुए हैं, तो वहीं आईपीएस के ट्रांसफर की लिस्ट 39वीं बार जारी की गई। इस बार भी विवादों में घिरे आईएएस आईपीएस निशाने पर है और इनमें घूसखांड में फंसे आईएएस नीरज के पवन व प्रदीप गावंडे को हटा दिया गया है, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक रहे सौरभ स्वामी को शिक्षकों के दीपावली अवकाश पर रोक लगाने का आदेश करना भारी पड़ गया। 24 घंटे में ही उन्हें यह आदेश वापस लेना पड़ा। साथ ही सरकार ने उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद से भी रवाना कर दिया है। पिछले दिनों प्रतिनियुक्ति से वापस आए भानु प्रकाश एटरू को सरकार ने सचिव श्रम कौशल एवं उद्यमिता कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षक अध्यक्ष RSLDC के पद पर लगाया है, जबकि ACB केस में फंसे सचिव श्रम रोजगार एवं कौशल नीरज के पवन को आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर के पद पर लगाया गया है। इसी केस में फंसे MD RSLDC प्रदीप गावंडे को निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में तैनात किया गया है। आरएस इंटरव्यू के दौरान विवादों में आए RPSC की सचिव शुभम चौधरी को भी हटाकर IAS कुमार पाल गौतम को सचिव के पद पर लगाया गया है। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मनीष, इतने बड़े पैमाने पर एक बार फिर से आईएएस आईपीएस का तबादला किया गया है या कईयों के हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट बदले गए हैं, इस कदम को किस प्रकार से देखते हैं और क्या वाकई में से एक हम कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार एक शुद्धिकरण की नीति पर चल रही है? जी अमन, राजस्थान सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर आईपीएस आईएएस के तबादले यहाँ पे जो सूची है वो जारी की गई है। ये बिल्कुल शुद्धिकरण की तर्ज के ऊपर सूची जारी हुई है। अचानक ये सूची आई है, इसके पहले कोई चर्चा ही नहीं थी कि ये सूची आज जारी होगी या इन दिनों में जारी होगी अचानक। और इससे पहले भी कई बार जो आईएएस और आईपीएस की सूची है जो गहलोत सरकार के अंदर लंबे समय से जो है लगातार आउट होती जा रही है, और इसके बाद में जो ये आईपीएस की सूची जो जारी हुई है, आईएएस की जो सूची जारी हुई है, इसके अंदर 39 आईपीएस अधिकारियों के यहाँ पे तबादले किए गए हैं, जिसके अंदर 12 जिलों के एसपी बदले गए हैं, साथ के साथ 18 आईएएस अधिकारियों के इस सूची के अंदर तबादले किए गए हैं। बड़ी बात ये है, इस सूची के अंदर जिन लोगों का जो आईएएस ऑफिसर थे जिनका भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ जो नाम सामने आ रहा था, उन लोगों को भी यहाँ पे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जिस तरीके से नीरज के पवन का जो RSLDC के अंदर नाम आ रहा था, कृष्ण के अंदर ACB के अंदर नाम आ रहा था, तो अब उन्हें आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर लगा दिया गया है। साथ के साथ यहाँ पे कई ऐसे अच्छे भी लोग थे जिन्होंने अच्छा कार्य किया, तो उनको उसका भी बहुत अच्छा उनको फल मिला है। जैसे जिस तरीके से कावेंदर सागर जो बांसवाड़ा SP थे, तो बांसवाड़ा के अंदर रहते उन्होंने अच्छा काम किया, तो अब उनको कोटा ग्रामीण के SP की यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। साथ के साथ जो IPS की जो लिस्ट जारी हुई है, इसके अंदर एक सिर्फ एक IG का है यहाँ पे तबादला किया गया है। हवा सिंह घुमरिया को अब IG लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यालय लगा दिया गया है। और उसके साथ ही हैदर अली जदी, जिनकी हम बात कर रहे हैं जयपुर के अंदर, जिनका पहले बहुत अच्छा कार्य रहा, तो अब हैदर अली जदी को वापस जो है यहाँ पे जयपुर के अंदर एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयपुर के पद के ऊपर यहाँ पे लगा दिया गया है। और प्रीति चंद्रा जो भी बहरहाल जो बीकानेर के अंदर जो थी, तो प्रीति चंद्रा का भी काफी ज्यादा नाम आ रहा था वहाँ पे, काफी ज्यादा जो वहाँ के नेता थे उनको इनसे नाखुश थे, तो ऐसे में अब प्रीति चंद्रा जो है इनका भी SP मुख्यालय सिविल राइट्स के अंदर इनका यहाँ पे तबादला कर दिया गया। तो बहुत सारी सूची के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो अचंभित कर देने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे भी अफसर है जिनको अच्छा काम करने का फल मिला, और बहुत सारे ऐसे अफसर है जिनको खामियाजे भी यहाँ पे भुगतना पड़ा है। जी बिल्कुल मनीष, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से तमाम तबादले किए जा रहे हैं, डिपार्टमेंट बदला जा रहा है, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी आपने बताया, जो अधिकारी या जो भी विवादों में रहे हैं उनको एक तरीके से उनके उच्च पद से उन्हें निचले पद पर लाया गया है, और साथ ही साथ जिन्होंने अच्छा काम करा है उन्हें भी पुरस्कृत किया गया है एक अच्छी पोजिशन देकर। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली मनीष ये है, अगर खासतौर पर हम नीरज के पवन और प्रदीप गावंडे की हम बात करें, पहले भी इन दोनों अधिकारियों का काफ़ी नाम चर्चा में रह चुका है इसी प्रकार के प्रकरणों के रहते, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें बार बार पोजीशन देकर, भले ही वो ऊंची पोजीशन हो या नीची पोजीशन हो, इनके हौसले को और बढ़ाया ही जाता है और कहीं ना कहीं इनके मन में ये बात घर कर जाती है क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा तबादला हो जाएगा? जी मैम, देखिए बेसिकली इस बार जो तबादला सूची जारी है, इसके अंदर नीरज के पवन
इसको जो है जयपुर और सचिवालय से बाहर कर दिया गया है, अब इनको बीकानेर भेजा गया है। तो ऐसे में यह तो साफ तरीके से येलो सरकार की तरफ से मैसेज दिया गया है कि अब इनके जो हौसले है वो किसी तरीके से जो है इनके बुलंद नहीं किए जा सकते हैं और इनको बीकानेर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे में जयपुर और सचिवालय से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और यह गहलोत सरकार की शुरू से एक तरीके से कार्यप्रणाली रही है कि किसी भी अफसर या अधिकारी जो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा होता है उसको हर तरीके से किसी भी तरीके से उसको उसके हौसले बुलंद नहीं होने दिए जाते। और इस मामले की बहरहाल एसीबी भी जांच करी है, अगर एसीबी जांच के अंदर किसी भी तरीके से अगर कोई भी अगर इसके अंदर कोई भी कड़ी सामने आती है तो इससे कार्रवाई भी आगे जाके होगी। लेकिन अब जब बात करते हैं अच्छे कामों को लेकर, तो अच्छे काम भी जिन अफसरों ने किए हैं उनको भी यहाँ पे प्रमोशन मिला है। जिस तरीके से बांसवाड़ा के अंदर जो एसपी है तत्कालीन जो कागिंदर सागर, उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको एक बड़े जिले की जिम्मेदारी दी गई है, कोटा ग्रामीण की वो जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो यहाँ पे पूरी बात क्लियर है, जिस तरीके से जिन अफसरों ने अच्छा काम किया उनको प्रमोशन जैसे एक अच्छा उनको वो मिला है और जिन्होंने बिल्कुल जिनका करप्शन में नाम जुड़ा हुआ था या जो भी था तो उनको बिल्कुल यहाँ पे खामियाजा भी उतना बड़ा है। जी बिल्कुल मनीष, इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।